हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स जिसके 418 एपिसोड्स तक 99% की एक्यूरेसी जो है वो बरकरार है। सारे स्टॉक्स जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड है, यानी कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल के दिन के प्रेडिक्शन के साथ में। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को। और एक चीज गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी, तो एक बार यूट्यूब को स्क्रॉल करके देख लीजिए और टेलीग्राम को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अकाउंट ओपनिंग का आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे वहां से। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में हम लोग को एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और बहुत ही शार्प फॉल इसके बाद में हम लोग को देखने को मिला। एंड देन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो क्रिएट किया था। एग्जैक्टली इस लेवल पे मैंने सी जो है वो शेयर की थी अपने प्रीमियम ग्रुप में, जिसमें हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। और अगर बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी से भी बढ़िया प्रॉफिट और बढ़िया सेटअप आज हम लोग को निफ्टी में देखने को मिला था। तो फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसकी सी आप लोग के साथ में शेयर की थी, जिसमें 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोग को ऑप्शंस पे देखने को मिला है, जो कि बहुत बढ़िया है। यूजुअली इस टाइप का प्रॉफिट हम लोग को देखने को नहीं मिलता। यहाँ से क्या होगा, निफ्टी में एक डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिला। एग्जैक्टली पिन पॉइंट मैजिकल लेवल को इसने टच किया जो था 17,890 का, और यहाँ से जो इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया तो यहाँ से फिर से मुड़ के पीछे नहीं देखा था निफ्टी ने। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आज के दिन में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। अगर से बात करेंगे जो भी तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ उसके परफॉर्मेंस के साथ में, तो हिंदुस्तान एरोनॉट में हम लोग को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आज के दिन में देखने को मिला। लगभग 70 से 80% का हम लोगों को यहां पे प्रॉफिट जो है वो ऑप्शंस पे देखने को मिला है आज के दिन में, जो कि बहुत बढ़िया है। और जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी वो थी दीपक नाइट्रेट की। दीपक नाइट्रेट में यहाँ पे दो एंट्रीज बनी थी, दोनों वैलिड थी, दोनों पे एक अच्छा सा प्रॉफिट हम लोग को सी साइड में देखने को मिला है। तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी आज के दिन की एशियन पेंट्स की। बहुत ही शार्प फॉल हम लोग को यहाँ पे डाउन साइड में देखने को मिला, जो कि पीई साइड में था। और जैसे कि आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ मैं अपने हर वीडियो में, कि जो भी स्टॉक्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ उसकी लेवल 3 जो होती है डाउन साइड की और अपसाइड की, ये अपने आप में रिवर्सल की मैजिकल लेवल होती है। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जो भी लेवल शेयर करता हूँ उसकी लेवल 4 जो होती है वो इंपॉर्टेंट रिवर्सल की लेवल होती है। सो यहाँ से हम लोग को एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो दिखाई दिया था। इस ब्रेकआउट पर इसे बाई किया जा सकता था, जिसमें हम लोग को बहुत ही अच्छा सा अप ट्रेंड बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में देखने को मिला है। यहाँ पे भी सी में एक अच्छा सा प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला है। इसी के साथ ही दोस्तों 419 एपिसोड्स तक जो भी 99% की एक्यूरेसी मैं आप लोग के साथ में क्लेम करता हूँ अपने हर यूट्यूब के वीडियो में, अपने हर यूट्यूब के थंबनेल पे, वो आज भी बरकरार है और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखने की। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दें। दोस्तों, एबीबी कल के दिन की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक रहने वाली है। अगर से यहाँ पे बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में, तो ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट इसने क्रिएट करके रखा हुआ है। एंड ऑफ द डे एक अच्छा वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है। अगर यहाँ से अपसाइड में ब्रेकआउट दे देता है तो 3422 के ऊपर स्टॉक बुलिश है। 3431, 3443 और 3457 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3410 स्टॉप लॉस रहेगा। इनकेस अपसाइड नहीं चला जाता है, यही से नीचे आ जाता है, तो 3410 के नीचे स्टॉक वीक है। 3390 और 3376 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3422 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा।
कल के दिन का दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो रहेगा पीवीआर का। इस स्टॉक में भी एंड ऑफ द डे एक अच्छा सा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है और स्टॉक में यहाँ से बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है। कल अगर यहाँ से नीचे आता है तो 1460 के नीचे स्टॉक वीक है, 1452, 1444 और 1432 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1468 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर नीचे के साइड में नहीं आता है, यहाँ से अपसाइड में ब्रेकआउट दे देता है तो 1468 के ऊपर पीवीआर बुलिश रहेगा, 1475, 1484 और 1500 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1460 स्टॉप लॉस रहेगा। जो कल के दिन की तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है कमिंस इंडिया की। इस स्टॉक में भी यहाँ से बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट इस स्टॉक ने क्रिएट करके रखा हुआ है और एंड ऑफ द डे एक अच्छा वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है। 1580 के ऊपर स्टॉक बुलिश है, 1586, 1597 और 1608 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1570 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर अपसाइड नहीं जाता है तो 1570 के नीचे स्टॉक वीक है, 1563, 1552 और 1538 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1580 स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीजें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे, क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट ट्रेड्स कर रहे तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइस, इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट टाइम्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर से यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे प्रेडिक्शन के बारे में, तो जैसे कि कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब बैंक निफ्टी पे हम लोग को ब्रेकआउट मिली है वो बात अलग है, निफ्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो अगर गैप अप ओपनिंग हम लोग को इस लेवल पे देखने को मिलती है तो यहाँ से एक मार्केट में पुल बैक आने की चांसेस है। अब पुल बैक मतलब क्या है, हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे का मैं आप लोग के साथ में व्यू शेयर करता हूँ, यानी कि हम लोगों को मार्केट में गिरावट आने के चांसेस है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने एक अप ट्रेंड देखने को मिला एंड देन यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ से ऊपर गया, तो इस चीज़ को जो है मार्केट को जब भी ऊपर जाना रहता है जब ये एक थोड़ा सा रिट्रेस हो जाता है इसे पुल बैक कहा जाता है। तो मार्केट में यहाँ से ऊपर जाने के बाद में कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहा है, कोई भी इसने पुल बैक अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो वो पुल बैक यहाँ पे आने के बाद में फिर ऐसे ब्रेकआउट के हमारे पास में हाई चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो फिर हम लोगों के पास में हाई चांसेस है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, अगर इसके ऊपर खुल जाता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके फिर मार्केट में एक अच्छा सा अपसाइड का ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन इतना कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो कभी भी सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है, तो हाई चांसेस है एक पुल बैक मार्केट में आ जाए। इसलिए तो मैं दोनों साइड के लेवल्स आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ ताकि सेम लेवल्स के साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में आप लोग दोनों साइड के ट्रेड्स को बहुत आसानी से कर सके।
18,100 के ऊपर निफ्टी बुलिश रहेगी, 18,137, 18,190, 18,247 और 18,311 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 18,047 के नीचे निफ्टी वीक रहेगी, 18,000, 17,948, 17,900, 17,857 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। कुछ थोड़ा सा अलग सा पैटर्न कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ने बनाया है। जैसे कि निफ्टी में हम लोग को एक रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी में हम लोग को ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो इस लेवल पे है। तो अगर से डे हाई चला जाता है तो हम लोग को एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, लेकिन इसे निफ्टी ने सपोर्ट भी करना चाहिए क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 43,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश रहेगी, 43,480, 43,580, 43,672 और 43,784 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 43,200 के नीचे बैंक निफ्टी वीक रहेगी, 43,104, 43,017, 42,922 और 42,800 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स, साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कल के दिन के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स कल के दिन के प्रेडिक्शन के साथ में। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, अगर वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।